अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आ रही है, जहां गांधी भवन में लगी पेंटिंग प्रदर्शनी में प्रदेश के कई जिलों लोग आए। यहां प्रदर्शनी बुरहानपुर की एक संस्था की ओर से लगाई गई। बता दें कि इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा महाराष्ट्र के शहरों से भी कलाकार अपनी पेंटिंग लेकर पहुंचे, जिसे देखने के लिए भी काफी लोग यहाँ पहुंचे। हमारी जानकारी के अनुसार जो है ये 22-23 साल के बाद ये एग्जीबिशन लग रहा है और ये कला ब्रह्मा आर्ट स्टूडियो ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, शिवा पाटिल मेरा नाम है। और कुछ मेरी जो टीम है, टीम वर्क भी बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ स्पॉन्सर्ड के लिए दो संस्थाओं ने हमें स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, एक मानव सेवा संस्था और एक पेंटिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन बुरहानपुर। लगभग 90 से 95 के समथिंग यहाँ पेंटिंग आई है और 48 आर्टिस्ट, मतलब 48 कलाकारों ने इसमें भाग लिया। सर, इन्होंने शील्ड और सर्टिफिकेट का हमें प्राइज रखा हुआ है, कैश प्राइज नहीं रखा हुआ है। मोमेंटो वगैरह देके हम उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ बहुत वर्षों बाद में तीनों भाई के अथक प्रयासों से यहाँ गांधी भवन में पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बुरहानपुर के और आसपास के कई गाँव के भी कलाकार आए हैं। उन्होंने अपनी पेंटिंग का यहाँ प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। कल से काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी तारीफ हो रही है, सबका उत्साह बना हुआ है। इसमें आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, तो जो और कलाकार नहीं आए हैं यहाँ वो भी आएंगे अपनी पेंटिंग लेके इस कार्यक्रम को देख के। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा ये देखने के बाद में। जो छोटे मोटे कलाकार हैं जो कुछ कर नहीं पाते, पता नहीं पाते किसी को, उनको भी यहाँ मौका मिल रहा है अपनी पेंटिंग बताने का, तो उनको भी और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इससे।